हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया एंड प्रिया फूड लैब में आपका स्वागत है। हम रेस्टोरेंट में जाके अक्सर दाल मखनी ऑर्डर करते हैं, बट घर पे वो रेस्टोरेंट वाला रिजल्ट नहीं आता। अगर आपको दाल मखनी पसंद है और बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला रिजल्ट चाहिए तो ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, तो एक बार जरूर ट्राई कीजिए। और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दाल मखनी बनाने के लिए सबसे पहले हम दाल को सोक करेंगे। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1/2 कप काली उड़द की दाल। और ध्यान रहे, ये दाल जो होल उड़द आते हैं ना उसी से बनती है, स्प्लिट वाली से नहीं बनती है। साथ ही हम लेंगे 1/4 कप राजमा। इसे हम अच्छे से वॉश करके मिनिमम 8 घंटे या फिर ओवरनाइट सोक कर देंगे। ये देखिए, इसे मैंने ओवरनाइट सोक किया था। अब हम क्या करेंगे, इस दाल को एकदम अच्छे से वॉश करेंगे। इस दाल को ऐसे रब कर करके वॉश करना है, तभी इस दाल का रेस्टोरेंट जैसा रेडिश कलर आएगा। अगर अच्छे से वॉश नहीं होगी तो ये दाल काली बनेगी, तो वो देखने में अच्छी नहीं लगेगी। ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसे 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर ली है और आप देख सकते हैं इसमें किसी किसी दाल के छिलते भी निकल गए हैं, तो ये नॉर्मल है। ऐसे ही दाल को अच्छे से रब करके वॉश करना है। अब हम इसे कुक करेंगे। कुक करने के लिए हम इसे कुकर में डाल देंगे, साथ ही डालेंगे दाल अच्छे से डूब जाए इतना पानी, थोड़ा सा नमक और 1/4 चम्मच हल्दी। इस दाल को कुक होने में ज्यादा टाइम लगता है, तो हम इसे मीडियम फ्लेम पे 6 से 7 सीटी होने तक कुक करेंगे। आइए तब तक हम इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। मसाले के लिए एक पैन में 3 चम्मच ऑयल लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे घी का भी यूज कर सकते हैं। ऑयल गरम होते ही डालेंगे 2 लौंग, एक छोटा सा पीस दालचीनी, 1/2 चम्मच जीरा, थोड़ी सी हींग, 1/2 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन को हल्का सा सौते कर लेंगे जिससे इसका कच्चापन निकल जाए। अब इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज का बारीक चॉप्ड प्याज, साथ ही डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक हमने दाल में भी डाला है तो यहाँ पे थोड़ा सा कम। अब प्याज को सॉफ्ट होने तक कुक कर लेंगे। और ध्यान रहे, इसे बीच बीच में हिलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे चिपक जाएगा। ये देखिए, प्याज हमारे सॉफ्ट हो गए, तो अब हम इसमें डाल देंगे टोमेटो प्यूरी। मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज के टोमेटोज को पीस लिया था। अब इसे हम अच्छे से ऑयल रिलीज होने तक कुक करेंगे। ये देखिए, ये काफी गाढ़ा होने लगा है। हमें इसे बीच बीच में ऐसे मिलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे चिपक सकता है। ये देखिए, ये यहाँ पे रेडी है। हमें इसे इतना थिक होने तक कुक करना है। अब इसमें मसाले डाल देंगे। मसाले में मैं यहाँ पे डालूंगी 2 चम्मच धनिया पाउडर और 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इसे अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने दाल को कुकर से निकाल ली है और ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। हमें बिल्कुल ऐसे ही दाल कुक करनी है। अब हम क्या करेंगे, इसे हैंड ब्लेंडर से हल्का सा पीस लेंगे। इसका बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है, बिल्कुल थोड़ा सा पीसेंगे, इससे दाल का टेक्सचर बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम दाल को इस मसाले के अंदर डाल देंगे। ये देखिए, मैंने इसे हैंड ब्लेंडर से पीसा है, फिर भी इसमें ऐसे पूरी पूरी दाल है, पूरा पेस्ट नहीं बना है, तो ध्यान रहे हमें बिल्कुल ऐसा ही पीसना है। बस अब इसे अच्छे से मिक्स करके अराउंड 10 मिनट तक स्लो फ्लेम पे उबलने देंगे। इस दाल को आप जितना उबालोगे इसका टेस्ट इतना ही अच्छा आएगा। दाल को उबलते हुए 10 मिनट हो गई है, तो अब इसमें लास्ट की कुछ चीजें मिला देंगे। यहाँ पे मैं डालूंगी 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर, 1 चम्मच कसूरी मेथी को इस तरीके से हाथों से क्रश करते हुए डालेंगे। साथ ही डाल देंगे बटर। बटर की क्वांटिटी आप आपके पसंद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये दाल मखनी है तो इसमें लोग 1/2 कप बटर तक भी डालते हैं। आप जितना खाना प्रिफर करते हो आप इतना बटर इसमें डाल सकते हो। मैं थोड़ा सा कम डाल रही हूँ क्योंकि मैं इसमें फ्रेश क्रीम भी ऐड करने वाली हूँ। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और उसके 2 मिनट के बाद इसमें ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम। गैस की फ्लेम ऑन होगी और दाल में उबाल आ रहा होगा, तब हम फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे तो वो पक्का फट जाएगी। अब इसमें डाल देंगे 1/4 कप फ्रेश क्रीम। आप चाहे तो यहाँ पे घर की मलाई भी यूज कर सकते हैं। बस इसे अच्छे से मिला देंगे तो रेडी है हमारी दाल मखनी। लग रही ना एकदम यम्मी। ये देखिए, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल क्रीमी दाल मखनी रेडी है। इसे आप पराठा, चपाती या फिर राइस के साथ सर्व कर सकते हो। तो आप ये रेसिपी एक बार जरूर ट्राई कीजिए और आपके एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही नई नई रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी एक नई रेसिपी के साथ।